मैंने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस अरेस्ट करती है किसी आदमी को या डिटेन करती है तो 24 घंटे के भीतर भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में भी पूरा नहीं होता है, यदि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में भी पूरा नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट से कहना पड़ता है कि सर इसमें हम इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाए हैं, अभी हमारे पास इतने एविडेंस नहीं है जिससे कि ये हम साबित कर सकें कि ये अपराधी है। ये बात सही है कि इसने अपराध किया है, लेकिन अभी वो सारे एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। तो ठीक है, तब अभियुक्त को भी मान लो लेके गए हैं, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ये कहेगा कि साहब हमें एविडेंस कलेक्शन के लिए इस व्यक्ति की खुद की भी जरूरत है, अकेले एविडेंस इस आधार पर कलेक्ट नहीं हो पाएंगे कि हम करते रहें और आप इसे जेल भेज दें। तो पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, कि हम ये चाहते हैं कि आप इस अभियुक्त को जिसको हम लेकर आए हैं पुलिस की कस्टडी में दे दीजिए बजाय जेसी या जुडिशल कस्टडी में भेजने के। और एपीपी ये तर्क करता है कि क्यों उस व्यक्ति को पुलिस को दिया जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने में, जैसे कि साहब इसको यदि आप हमें नहीं देते हैं तो जो अपराध में, जैसे कल डकैती का हमने एग्जाम्पल लिया, जिस अपराध में जो सामान यूज हुआ था उस सामान की रिकवरी नहीं हो पाएगी, उन लोगों के भी बारे में पता नहीं चल पाएगा जो लोग इस डकैती में और इन्वॉल्व थे, उन लोगों के बारे में भी पता नहीं चल पाएगा जिन लोगों ने डकैती के सामान को खरीदा। इसके लिए हमें इस आदमी की जरूरत है, उस बात की भी पता नहीं चल पाएगा कि ये कितने डकैत थे और वो डकैत बाकी कहाँ छुपे हुए हैं। ये सब बातें हमें पता करनी है, इसलिए इसकी पुलिस कस्टडी बहुत जरूरी है। तो पुलिस कस्टडी उसको दे देंगे, लेकिन पुलिस कस्टडी देते वक्त मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि जो आदमी इस आदमी को लेकर आया है पुलिस वाला वो कौन है, क्या ऐसा तो नहीं है हेड कांस्टेबल आ गया हो। तो मिनिमम हेड कांस्टेबल किसी थाने का इंचार्ज हो सकता है, हेड कांस्टेबल भी किसी थाने का इंचार्ज हो सकता है, लेकिन रिमांड के लिए उसकी कस्टडी, पुलिस कस्टडी मांगने के लिए वो एंटाइटल नहीं है। मिनिमम सब इंस्पेक्टर होना ही चाहिए, बड़े से बड़ा अधिकारी तो कोई भी हो सकता है। और यदि मामला कभी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के सामने आ जाए तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को किसी अभियुक्त को रिमांड पर भेजने का अधिकार ही नहीं है, अधिकार सिर्फ दिया गया हो, हाई कोर्ट ने दिया हो तो ही मिलेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को, यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो मैक्सिमम 15 दिन के लिए, और यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो केवल 7 दिन के लिए पुलिस को उस अभियुक्त की, उन अभियुक्तों की कस्टडी दे सकता है। कितने दिन के लिए? लेकिन ध्यान रहे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का विकल्प नहीं है। ये नहीं है कि पुलिस के पास विकल्पों को चाहो तुम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ले जाओ चाहे जुडिशियल, नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है तो ही। और इस काम के लिए 167 में किस काम के लिए अभियुक्त को किस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पेश करना है, ये बिना अधिकारिता वाला, हु हैव नो ज्यूरिसडिक्शन, उससे भी मांगी जा सकती है। दूर है तो 24 घंटे के भीतर भीतर की बात अलग है, तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को पेश करना। और पुलिस कस्टडी एक प्रकरण में, एक मामले में मैक्सिमम 15 दिन की हो सकती है। कितने दिन की? पुलिस को जो रिमांड है वो इकट्ठी दी जा सकती है 15 ही दिन की, या टुकड़े टुकड़ों में दी जा सकती है
ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टुकड़े टुकड़े में पुलिस की कस्टडी दे रहा है या इकट्ठा दे रहा है। पुलिस को कस्टडी दे दी है, फिर बीच में ऐसा लगा कि अब जुडिशियल कस्टडी की जरूरत है, बाद में पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि साहब हम 4 दिन तो पुलिस कस्टडी ले चुके हैं, अब आपने जुडिशियल कस्टडी भेज दिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है, बिना अभियुक्त के नहीं है और अभी हम सिर्फ 4 दिन ले चुके हैं, अभी बाकी 11 दिन बाकी। तो जो आदमी जेसी में चला गया है, जेसी से पीसी में जा सकता है और पीसी से जेसी में भी जा सकता है, ऐसे करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी भी 15 दिन की होती है, 15 दिन से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है यदि मामला ऐसा है जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट होता है, डेथ पेनल्टी होती है, 10 साल या उससे अधिक की सजा होती है। तो ऐसे मामलों में पुलिस कस्टडी, सॉरी जुडिशियल कस्टडी में रह रहे व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन यदि 90 दिन के भीतर भी पूरा नहीं होता है तो 167 क्लॉज 2 के अंतर्गत राइटफुल बेल का राइट है, उसे अधिकार स्वरूप जमानत मिल जाएगी। और अन्य मामलों में जो 10 वर्ष से कम की सजा के मामले हैं, उन मामलों में 60 दिन के भीतर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चालान पेश नहीं कर पाई है तो उसे 167 क्लॉज 2 के अंतर्गत जमानत मिल जाएगी। इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए ये कोई लिमिट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए कई साल भी लगते सकते हैं और कुछ ही चंद महीनों में, चंद समय में भी इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए तो जो टाइम फिक्स है ना, वो तो 24 घंटे के भीतर भीतर ही कर लो। कितना टाइम दिया है? 24। अब 24 में नहीं होता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है फिर मैक्सिमम टाइम नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये कहा है कि आजीवन कारावास, मृत्युदंड और 10 साल के सजा वाले मामलों में 90 दिन के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा छोड़ देंगे, जमानत दे देंगे, बाकी में 60 दिन में हो जाना चाहिए तो नहीं तो जमानत पर छोड़ देंगे। और यदि मामला समन है और कोई व्यक्ति गिरफ्तार है, उसकी गिरफ्तारी के 6 महीने के भीतर भीतर भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को छोड़ सकता है और यह कह सकता है कि अब आगे इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो। लेकिन पुलिस वाले जाके कहते हैं नहीं सर, गलती हो गई, आगे से गलती नहीं करेंगे। न्याय हित में, इन जुडिशियल इंटरेस्ट, वो अपने ही आदेश को रद्द कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश कर सकता है कि करो, चलो ठीक है करो इन्वेस्टिगेशन। ये चीज हमने कल पढ़ी थी, सबको याद थी गई, करीब करीब सभी को याद थी चीजें, तो वही मैंने बोली हैं। अभी इसमें जो रह गई हैं उनमें कोई कोई बातें रह गई होंगी, तो जो बात मैंने नहीं बोली है उनमें से, जब भी किसी को मैं जानबूझ के छोड़ी कुछ चीजें जिससे मैं पूछ सकूं, कि जब भी रिमांड लेकर आते हैं तो फर्स्ट टाइम इन पर्सन ही पेश करना होगा, बाद में एक्सटेंशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से हो सकता है। और हाँ, द मजिस्ट्रेट हु इज गिविंग और ऑथराइजिंग रिमांड टू द पुलिस शैल रिकॉर्ड द रीजंस व्हाई ही इज गिविंग दैट पर्सन टू द पुलिस वंस अगेन, तो उसे लिखना पड़ेगा क्यों दे रहे हो, क्यों पुलिस को दे रहे हो आदमी। तो जो पुलिस ने बताई थी बात कि साहब हमें और एविडेंस इकट्ठे करने, इसलिए ये बात उसे लिखनी पड़ेगी अपने नोट शीट पर क्यों हमने दिया। 7 दिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, इसके अनुसार तो पता ही, जो समझ पाया वो ये हुआ कि 15 दिन तो हो गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट का,
और 7 दिन हो गए इसके अनुसार तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। देखो कुल मिलाकर इतना, कुल मिलाकर इतना। अब मान लो जो जेएम था उसने 5 दिन का रिमांड दिया, छुट्टी पे चला गया, अवेलेबल ही नहीं दूसरा मजिस्ट्रेट, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इसके पेश कर दिया। इसके पास पावर कितनी रह गई है? 2 की। इसको पावर ही खत्म हो गई, इसकी कोई पावर नहीं है। यदि ये पढ़ा होता तो उसमें लिख रहा है कि जब भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहां पर रिमांड के लिए जाएंगे तो वो सारे के सारे पेपर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज दिए जाएंगे। आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़कर आए हैं उससे कोई असर नहीं पड़ता। आप बहुत अच्छे स्कूल से पढ़कर आए हैं, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़कर आए हैं, उससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा इस बात से कि आज जब आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है तब आप पर डे जो शिक्षक आपके पढ़ा रहे हैं उस पर कितना कमांड करते हैं, उससे फर्क पड़ेगा। मैंने आपको कुछ कुछ समझा दिया, आपको ऐसी स्थिति में ला दिया कि अब आप बेयर एक्ट को अच्छे से, अब आप बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ सके, बेयर एक्ट को समझ सके, तब आपको बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए था, एक बार नहीं पढ़ना चाहिए था। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि जो लोग बहुत अच्छा लिखकर आते हैं उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं। बहुत अच्छे में क्या है, बहुत अच्छा क्या होता है? पहली बात, आपको लीगल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, कानूनी भाषा, सामान्य भाषा में नहीं, लीगल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। जब आप लीगल लैंग्वेज लिख रहे हैं तब आपको अच्छे अंक मिलेंगे। जब आपके हैंडराइटिंग अच्छी है तब आपको अच्छे अंक मिलेंगे। जब आपने जो पूछा गया है उसको व्यवस्थित व्यवस्थित पहले कौन सी चीज आनी चाहिए सीक्वेंस से लिखा है तब आपको अच्छे अंक मिलेंगे, अन्यथा अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। केवल ये काम करने वाले ही अच्छे अंक पा पाते हैं। तो लीगल लैंग्वेज पर कमांड बनाने के लिए जो अति महत्वपूर्ण सेक्शन है, जैसा कि कल हमने 167 पढ़ाया था, तो 167 को आपको कम से कम 20 टाइम्स पढ़ लेना चाहिए था। कितने टाइम्स? जब आप 20 टाइम्स पढ़ते तो इसके शब्द आपके दिमाग में छा जाते, बैठ जाते, इसकी सीक्वेंस आपके दिमाग में बैठ जाती। आप ये सोचते हो तुक्के में कोई मजिस्ट्रेट बन जाएगा तो आप भ्रमित हैं। तुक्के उक्के में नहीं बनते, सबसे सरल एग्जाम है, लेकिन इतना भी सरल नहीं कि आप बैठे बैठे कोई आपको मजिस्ट्रेट बना देगा। ब्रह्मत पाल लेना, जिनके बेयर एक्ट पर कमांड है वो फेल नहीं होते हैं। और तुम्हारे से पहले लोग बेयर एक्ट पर कमांड बिठाए बैठे हैं, आपको उनसे भी बेहतर करनी है। फिर एक पेज इंग्लिश का, एक पेज हिंदी का, उसी सेक्शन को आपने लिख लिया है, वैसे ही कॉपी कर लिया है, दोनों ही भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सुधर जाएंगी, लैंग्वेज के पेपर में मदद मिलेगी। इतनी मदद तो इंग्लिश और हिंदी के टीचर नहीं करा सकते। कारण क्या, उन दोनों टीचर्स को नहीं आती लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, ठीक है? तो ये करिएगा। और यदि ये नहीं कर पाए, आपके पास एक टाइम टेबल हो फिक्स, जैसे यहां आप एक टाइम टेबल है आपका कि इतने बजे से इतने बजे तक, 9 बजे से 1:30 बजे तक आपकी यहाँ क्लास होती है, ठीक है, एक टाइम टेबल हो गया। अब इसके अलावा अन्य समयों के लिए भी आपको अपने टाइम फिक्स करने पड़ेंगे, ये मेरा टाइम इस काम के लिए, ये मेरा इस काम के लिए, ये मेरा इस काम के लिए। और आपके मोबाइल में कम से कम 8-10 अलार्म होने चाहिए। मेरे खुद के मोबाइल में है,
जैसे मैं 8, 8:30 बजे क्लास लेता तो 8:20 पे अलार्म बज जाता, इसका मतलब है कि मुझे पानी पीना है, मुझे टॉयलेट जानी है, मुझे अपनी किताब उठानी है, नोट्स उठाने, माइक उठाना है और ऊपर जाना है। इस सारे समय में 10 मिनट लग जाएंगे और मैं 8:30 बजे क्लास शुरू कर दूंगा। 8:20 का अलार्म भरा हुआ है। या तो मैं 4 बजे सुबह जगी जाऊंगा, नहीं जगूंगा तो 4 बजे मुझे अलार्म जगा देता है। 4 बजे से 4:15 बजे तक मुझे पानी पीना है और अपने रूटीन काम करने हैं, 4:30 बजे के आसपास कुछ और करना है, फिर 5 बजे मेरे को घूमने निकलना है, 5:25 पर जब मैं घूम रहा होता हूं तो अलार्म अपने आप कह देता है कि बैक टू होम, तो मैं 5:25 पर घर चल देता हूं, वापस छोड़ देता हूं सर। 5 मिनट में घर पहुंचता हूं, घर पहुंच के अपना गाउन वगैरह पहना और फिर 5:40 पर ध्यान के लिए निकल जाता हूं मेडिटेशन करने। ओशो का एक प्रवचन बढ़िया सा लगाता हूं, उनकी बात रोजाना सुनता हूं, उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूं और सही 6 बजे वहां ध्यान प्रारंभ हो जाता है और 6:15 तक ध्यान मंदिर से बाहर आते हैं। ध्यान मंदिर से बाहर आए 10 मिनट किन्हीं लोगों के साथ जो सन्यासी हैं, मेरी तरह ही सन्यासी हैं, उन सन्यासियों के साथ थोड़ी देर बैठते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद में घर चला आता हूँ। तो ये एक रूटीन आपको भी बनाना पड़ेगा, ये मेरे रूटीन की बात नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको एक सिस्टमेटिक रूटीन बनाना पड़ेगा, आप बनाते नहीं, आपकी जिंदगी ऐसे चल रही है, अपने आप चलती जा रही है, बस एक क्लास आने का टाइम है और क्लास से जाने का टाइम, बाकी आपका नहीं है, अन्यथा तो आप या रिवाइज नहीं कर रहे होते इसको, यदि आपने रिवाइज नहीं किया ना तो यहाँ शिक्षक कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी शिक्षक में इतना दम नहीं है कि जो कोई बनना ना चाहता हो और उसे बना दे। आपको पहला प्रेम आरजेएस की पोस्ट से करना चाहिए, और अभी प्रेम में पड़ गए ना किसी और के तो आरजेएस तो नहीं मिलेगा, ये पक्का है। और जिसके चक्कर में पड़ भी जाओगे वो कुछ खास ना कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी आकांक्षा है आरजेएस बनने की है तो शादी टूट जाएगी, ये भी पक्की है, और शादी भी कर ली तो वो शादी हर हाल में ही टूट जाएगी, क्योंकि महत्वाकांक्षा जज बनने की है। फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा पूरी जिंदगी भर, क्योंकि तुमने बीज बो लिया है जज बनने का। विकल्प मत छोड़ो, इस क्लास में बैठा हुआ हर स्टूडेंट बन सकता है, सीट्स खूब निकलती हैं। इस क्लास में इतने स्टूडेंट ही नहीं, 140 स्टूडेंट ही नहीं, आज ऑनलाइन के भी लगा लिए जाए तो भी नहीं है, तो 140 स्टूडेंट तो इस साल बनने। अब कहीं दूसरी जगह से पूरे देश में से ना बने तो मत बनो, आप लोग बनने चाहिए, हम तो ये चाहते हैं, लेकिन तुम बन सकते हो, आप अपने भाग्य के विधाता सिर्फ आप हो, कोई दूसरा है ही नहीं। आप चाहो तो बन जाओ, चाहो तो मत बनो, बहुत सरल सा काम है। इतनी सी किताब है मात्र, इतनी सी टोटल लगा दिए जाए इतनी सी, और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, तो इतनी है ही, इतना सा आप लोगों ने पढ़ लिया ना तो आप उस पद पर पहुंच जाएंगे जिस पर आईएएस से ज्यादा मजे हैं, आईएएस से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। जो मंत्री जिंदगी भर इंजॉय करता है ना 5 साल के लिए, अभी देख रहा ना बीजेपी की एक टिकट वो लिस्ट आई है तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता रो रहे हैं, हमें टिकट नहीं मिलना, हम इतने दिनों से परेशान हो रहे थे, बूढ़े बूढ़े रो रहे हैं, बूढ़े बूढ़े बच्चे हैं वो, जैसे उनके खिलौने को किसी ने छोड़, और रोते हुए उनकी फोटो आ रही है। आप में इतनी एनर्जी है, खट से पा सकते हो इस पद को, खट से सरल है ये। मैं अपने घर में भी अपने भाइयों को इन सबको समझाता हूँ, उनके समझ उनके भी नहीं आती है, लेकिन मेरे को यह असर नहीं पड़ता कि उनके समझ में नहीं आ रही, मेरे तो किसी के भी समझ में आ रही है। आप भी भाई बहन की ही तरह हो, आपके समझ में आती है तो आप बनो, जिनके समझ में आई वो बहुत सारे लोग बन गए, आपके समझ में आ जाए तो आप भी बन जाओ, सरल है ये। इसके लिए कोई एनएलयू में पढ़ के आने की जरूरत नहीं है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट होने की जरूरत नहीं है,
हाई कोर्ट ने एक सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस में पारंगत हो जाओ, पहले पारंगत थे या नहीं थे, थर्ड डिविजनर हो तो भी मजिस्ट्रेट बन सकते हो, थर्ड डिविजनर हो तो भी मजिस्ट्रेट बन सकते हो, इवन टॉपर भी बन सकते हो। कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्वेंट में नहीं था, हिंदी मीडियम से पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, उससे भी कोई असर नहीं पड़ता, तो भी टॉपर बन सकते हो। तुम्हें पता नहीं, मात्र तीन पेपर है, एक लैंग्वेज का है, लैंग्वेज का मतलब 50-50 के दोनों, इन तीनों पेपर में 60% स्कोर कर लिया ना, कितने परसेंट? 60%, जो बड़ा नहीं है, और इस 60% का मतलब है 180 नंबर। अभी इंटरव्यू बाकी है, टॉप कर सकते हो, फर्स्ट रैंक ला सकते हो। उनके नहीं आएगी जो सिर्फ लाइब्रेरी में टाइम पास करते हैं, मेरे से लिखवा लो उनकी, मैं लिख के दे रहा हूं। प्री प्री पास कर लिया वो ठीक है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा उनका, गुरु के सानिध्य में रहना ही होगा आपको, बस क्लास आना है, क्लास में जो काम करवाया जाए वो करना है। आप यहाँ कुछ और काम थोड़ी करने आ रहे हो, आप यहाँ, ये सरस्वती मंदिर है और आप यहाँ पूजा के लिए आए हैं, और मैं पुजारी हूं, आपसे पूजा करवा रहा हूं, मैं पूजा नहीं कर रहा, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपको पूजा करवा रहा हूं, इन महान ग्रंथों को जिससे नौकरी लगती है मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं, गीता पढ़ के, रामायण पढ़ के कभी किसी का भला हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस मेरे सामने, मेरे देखे बहुत सारे लोगों का भला हुआ है, बहुत सारे लोग, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में अफसर बने बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में अच्छे वकील बने बैठे हैं, इन्हीं किताबों को पढ़ पढ़कर शानदार जीवन जी रहे हैं। आप जी सकते हो, ऐसी गलतियां मत करो जो आप अभी कर रहे हो, ये गलतियां ही हैं, कल पढ़ाया आज आपने पढ़ा नहीं। प्रामाणिक बनो, ईमानदार, प्रामाणिक का मतलब ईमानदार, अप्रामाणिक बेईमान, झूठ बोलता है, झूठ कैसे? नहीं पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था, कितने बार? मई के महीने में एग्जाम होता सिविल सर्विसेज का, प्रीलिम्स का, कभी जून में भी हुआ, उस एग्जाम को ही दे के जाया करता था, और कितने दिन? मुश्किल से 2 दिन, मेरे गांव में भी पता नहीं चलता था कि मैं आया हुआ हूँ, शाम को पहुंचता, एक दिन मैं घर पे ही घूमा फिरा रहा, वो पता लगा वापस। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका बहुत लाभ मिला, खूब अध्ययन किया, उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ, आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, और मेरी ही कुछ कमियों की वजह से मैं नहीं बन पाया। दूसरी एक और बात, भावुकता में हम कभी कभी गलत संगति में हो जाते हैं। एक लड़के से मेरी जान पहचान हो गई, हनुमानगढ़ का था, मेरे से बोला कि यहाँ इतने हॉस्टल में इतने पैसे क्यों दे रहे हो, मेरे साथ रह लो इधर। मैंने कहा यार मेरे को सेपरेट रूम में रहने की आदत है और मैं क्या पढ़ नहीं पाता, तो मैंने गलती से क्या किया कि उसके जहाँ वो रहता था वहीं मैंने ही रहना शुरू कर दिया, एक कमरा उसका था एक मेरा था, 7-8 दिन में मुझे उसके चाल चलन समझ में आ गए थे, सोचा यार बहुत गलती हो गई, चलो ठीक है ये अपने कमरे में रहता है, ये मैं अपने में रहता हूँ, लेकिन उसका बड़ा भारी नुकसान हुआ। तो ध्यान रखना, जो दोस्त भी बनाओ ना बहुत सोच समझ के बनाना, ऐसे शानदार दोस्त जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात करते हो, ऐसे दोस्त नहीं जो ये बात करते हो, लड़कियों की बात करते हो, ऐसी लड़कियां भी नहीं जो सजने समन्ने पर ही लगी रहती हो, उनका कुछ नहीं होना, सजती रहेंगी वो गुड़ियां हैं, वो कहीं दूसरे का घर सजाएंगी, उनका कुछ नहीं होना, कोई मजिस्ट्रेट बनती है क्या वो ऐसी लड़कियां? कुछ नहीं बनती। जब मजिस्ट्रेट बनोगे तो आप सोचोगे कि आपका घर परिवार रिश्तेदार सब आपकी ही चर्चा करेंगे, हर एक ऐसे शानदार कैरियर बन सकता है। तो ज्यादा सजने संवरने वाली लड़की से लड़कियां दूर रहें, उसका कुछ नहीं होना है
वो अपने लिए थोड़ी संवर रही है, सज रही है, वो दूसरों के लिए संवर रही है, दूसरों को दिखाने के लिए संवर रही है कि मेरे को देख लो मैं लिपस्टिक विपस्टिक सब लगा के आई हूं, दूसरों के लिए संवर रही है। अपने लिए संवरने का टाइम कहां था? मैंने तो अपने सर पे उस तरह चलवा लिया था यार, बाल टाइम खाते, मेरे बड़ा बड़ा शौक था, बाल घने घनोरे बड़े अच्छे थे रहे ले। अब मैं तो कई बार आदत पड़ी हुई थी तो मैं अपने ही चेहरे को देख रहा हूँ, बार बार कंघा कर रहा हूँ, थोड़ी देर कहीं जा रहे पानी लेने जा रहे तो भी कंघा कर रहा। मैंने देखा ये तो बहुत टाइम खा रहा है। नाई के पास गया तो नाई से कहा, मैंने कहा मेरे को उस तरह कराना है, उस तरह कराना है। वो चौका, बोले नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा करो तो सही। तो एक दिन तो किया ही नहीं, उसने जिससे करवाता था वो उसने तो किया ही नहीं, फिर दूसरे तीसरे तीसरे के पास गया मैंने, मेरे को उस तरह कर। सब लोग पूछे क्या हो गया, बड़ा बुरा हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बुरा, कुछ नहीं हुआ है, पिताजी माताजी ठीक तो हैं? मैंने कहा सब ठीक है, थोड़ा तप तो करो, मजा आएगा, इस तप को इंजॉय करोगे उस समय, जज बन के इंजॉय करोगे। यार वो समय क्या था जब हम, आप एक दूसरे इंसान बन जाओगे पूरी जिंदगी भर, इंजॉय तो करके देखो ऐसी तपस्या को। क्या कपड़े खरीदने, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए खूब सारे कपड़े खरीदना। अब तो वो दो जोड़ी कपड़े तीन जोड़ी कपड़े बहुत हैं, ज्यादा चक्कर मत पड़ना कपड़ा उपड़ों के, आपकी जरूरत नहीं है। प्रभावित मत होना किसी इससे कि कोई कार से आता है उसके चलो उसके साथ घूम जाए, कोई पैसे वाला है ये भी प्रभावित मत होना। जिस दिन आप अपनी खुद की कार खरीदोगे, वो लड़की आई बढ़िया सी डिजायर ले रखी उसने, उस दिन आप लोग थे कोई आप में से, ACGM में डिजायर ले रखी है, बिल्कुल गांव की लड़की, हिंदी मीडियम, भाषा भी अलग ही भाई। तो और कांस्टेबल इधर बैठा, ड्राइवर बैठा, मेरे से बोली मैं तो स्वर्ग महसूस करती हूँ सर। मैंने कहा स्वर्ग ही है और स्वर्ग कोई ऐसा थोड़े ही कि जहां से ऊपर, अरे भाई चंद्रमा तक हुआ है वहां कोई स्वर्ग वर्ग नहीं मिला, कोई ऊपर कुछ नहीं बना हुआ, ये तो बाकी तो बेकार की बात है, स्वर्ग नरक सब यही है, नरक भी भोग रहे हैं लोग, ऐसा ही शरीर, ऐसा ही आंखें, ऐसे ही नाक, भीख भी मांग रहे हैं। और जब आपने इस पथ पर चलना शुरू कर दिया है ना, अरे 2 साल तो जीवन के लगा के देखो, कई अभी से तय कर रहे हैं कि शादी किससे कर ले, शादियों के मन चल रहे हैं, आपकी हो गई, दो बच्चे हैं, अब ये करके बैठी है, इसको कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज नहीं। लेकिन उस दिन बहुत चेंज आ जाएगा जिस दिन मजिस्ट्रेट बन जाएगी, उस दिन बहुत चेंज आ जाएगा, पास पड़ोस सारे कहेंगे अच्छा जी मजिस्ट्रेट, बाजार में भी कहीं जाओ ना सब्जी ले तो वो लड़की है ना वो जा रही है वो मजिस्ट्रेट है, क्या सर पड़ता है 2 साल बाद कर लेना। कहते हैं नहीं घर वाले सोच रहे, अरे घर वाले सोच रहे तुम ज्यादा बुद्धिमान हो या तुम्हारे घर वाले ज्यादा बुद्धिमान है? तुम कम बुद्धि के हो तो इसलिए घर वाले सोचते हैं, आप बहुत बुद्धिमान हो तो घर वाले सोचेंगे ही नहीं है? आप फंस गए ये फंसा हुआ महसूस करती है, फंसे हुए नहीं हो आप, जज बन जाओगे तो ये भी अच्छा लगेगा, कोई फंसाव नहीं रहेगा, आप पढ़ाई कर रही हो सपना अच्छा पढ़ रही हो, सिलेक्शन हो सकता है तुम्हारा, कोई भी पा सकता है, इस क्लास का एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जो नहीं पा सके। एक लड़की बड़ी अच्छे से पढ़ाई करती थी, यहाँ नीचे एक लड़की और जो अभी जैसे ज्वाइन कर रखी है, लड़कियां मेरी स्टूडेंट रही हैं, तो इसने भी इसमें से एक है, उसने अभी इसकी शादी हो गई है, तो मैं इसे पूछ रहा था मैंने कहा वो क्या कर रही है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उनमें से किसी का सिलेक्शन, तो इसने एक लड़की का नाम बताया, हाँ सर वो तो होशियार थी उसका कहीं हो गया होगा। मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा अभी कर लेता हूँ नंबर तो है मेरे पास, मैंने फोन किया तो बोली कि सर मैं तो अभी मणिपाल में काम कर रही हूँ, नौकरी तो अच्छी मिल रही है। मैंने कहा ठीक है अच्छा है, होशियार थी मजिस्ट्रेट बन सकती थी, असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम अच्छे से एक बार एग्जाम दे लो, बीच बीच में तुम्हें कमाने की लगी रही इसके कारण तुम्हारे को दिक्कतें आई। हाँ सर अब तो खैर दिक्कत नहीं है, और हस्बैंड भी, मैंने हस्बैंड शादी कर ली? बोले हाँ शादी कर ली। हाँ वो भी आता रहता है जाता रहता है, मेरा दोस्त है क्या? क्या दोस्त क्या?
अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से पढ़ी हुई, फिर भी मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम अभी भी सेलेक्ट हो सकती हो, ऐसी गलती मत करिएगा कि जो पढ़ाया जाए उसे पढ़ के नहीं जाए, पूरी ताकत लगाओ 500 दिन, और जवानी में ये छोटा सा काम नहीं हुआ तो फिर काहे की जवानी, बूढ़े हो, लुंज पुंज हो, फिर ये नहीं हुआ तो ठीक है।